हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शरद चंद्र अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में हारमोनियम, स्पेनिश गिटार, माउथ हार्गन और वोकल सिंगिंग सिखाता हूँ। आपको इनमें से कुछ भी सीखना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे बैठे आराम से मिलते रहें। और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप दिन के समय कभी भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका समाधान बता सकूं। आज ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको ये मन में उत्सुकता होती है या ये मन में ख्याल आता है कि अनपढ़ लोग हारमोनियम कैसे बजा लेते हैं या गाने की धुन सुन करके लोग कैसे हारमोनियम बजा लेते हैं। जिनको हारमोनियम के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई टेक्निकल जानकारी नहीं कि सरगम क्या है, नोटेशन क्या है, कॉर्ड क्या है ना, क्योंकि वो अनपढ़, उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि गाने की धुन ये है और हारमोनियम पर ऐसे बजेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो भी चीजें हैं उसका सारा कंट्रोल आपका दिमाग करता है ना? आपका दिमाग ही ये आपको बताता है कि ये आवाज पतली है, महीन है, ऊंची है, या ये नॉर्मल आवाज है, ये मोटी आवाज है, भारी आवाज है, ठीक है ना। तो अगर आप हारमोनियम में, आपको कोई जरूरत नहीं कि आपको पूरा स्वर ज्ञान पता हो कि सारे गामा क्या है? या शार्प क्या है, फ्लैट क्या है, नोटेशन क्या है, कॉर्ड क्या है, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि हारमोनियम में मोटी भारी आवाज कहाँ पर है, नॉर्मल बीच की आवाज कहाँ पर है, ऊपर की पतली आवाज कहाँ पर। जैसे ये तो अब ये मोटी भारी आवाज है, ठीक। नॉर्मल आवाज हो गई, ये पतली है, ऊंची आवाज हो गई। तो जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो गाने के धुन सुन के हारमोनियम बजाते हैं उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज काम करती है। उनको थोड़ा सा आवाज का आभास होता है या सेंस ऑफ म्यूजिक कह सकते हैं जिसको आप, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, जो भी गाना उनको बजाना होता है उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, उसकी धुन को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेते हैं और फिर अपने उसको गुनगुना के देखते हैं कि वो धुन कहाँ पर आ रही है। अगर वो ऊपर के स्वर में आ रही है तो कहीं ना कहीं ऊपर के स्वर में वो गाना आपको मिलेगा। अगर नॉर्मल टोन में है तो वो गाना आपको कहीं बीच में मिल जाएगा, और नीचे के स्वरों में है तो वो गाना आपको कहीं नीचे के स्वरों में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण के लिए कैसे समझ सकते हैं, और एक बात और बताएं कि उनको अपने ऊपर भरोसा होता है। कहते ना कि अगर आपको किसी चीज के विश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं तो आप उस काम को कर लेंगे। कहा गया ना कि इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मतलब अगर आप किसी काम को समझते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं तो आप उस काम को कर लेंगे। मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप गाने की धुन को बहुत अच्छे से सुन लीजिए 50 बार 100 बार 200 बार, ताकि उसकी धुन आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। जब धुन बैठ गई तो आपकी समझ लो कि 75% समस्या खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, उसको टटोलना है, ढूंढना है कि धुन कहां पर मैच कर रही है हमारी, ठीक है ना। आपको कुछ उदाहरण दे दो, 4-5 गाने में आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप करेंगे। देखिए, तो जैसे एक शुरुआत करते हैं कि वो एक आरती है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, है ना। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। अब इसको ढूंढने कहां बज रहा है, अब क्योंकि ये नॉर्मल टोन का गाना है तो कहने के हमको बीच में इसके स्वर
मिलने चाहिए। अब जब आपको पहला स्वर मिल जाए फिर क्या करना होता है कि गाना जैसे जैसे चल रहा, अगर गाना ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर के लिए टटोलिए, कहीं कहीं आपको शब्द मिल जाएंगे। गाना वहीं पर है तो उसी जगह स्वर मिलेंगे, गाना नीचे तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ओम शा नीचे आ रहा है तो नीचे जाना पड़ेगा, जैसे रे, रे ऊपर जा रहा है तो रे सोनी सोनी जग जग दी दीश, और ऊपर आ रहा है जग दीश रे। ऊपर आ रहा तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे गाने के स्वर चल रहे हैं वैसे वैसे हम इसको टटोल के ढूंढ ले रहे हैं। अब इसका वो क्या था, अंतर क्या था, जो ध्यावे फल पावे कष्ट मिटे तन का। इसको आप अगर शब्द नहीं याद है ला 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 करके भी गा ली तभी दिमाग में धुन चलनी चाहिए, बेसिक बात यह है। गानों को देख लीजिए, जैसे टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया। कहां से मिलेगा टूटे टूटे हुए हमको सिखाया है, क्या देखा कि जहां हम लोग पहला शब्द मिल गया, जैसे मिल गया टे तो नीचे आ रहा है टे, और देख लीजिए, हाँ दीवाना मैं, हाँ दीवाना मैं, हमका मारा हुआ एक बेगाना हूं मैं, हाँ दीवाना हूं मैं। ढूंढोगे इसको, Thank you.
जहां पर आपको शब्द मिल रहा है वहीं पर आप ढूंढते चले जाएंगे इसको, ठीक है ना। और दिल्ली उदाहरण इसका, जैसे या दिल की सुनो दुनिया वालो, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, अब गाना क्यों नीचे से शुरू हो रखा है, इनके नीचे शब्द मिल जाएंगे इसके, जैसे जैसे गाना चल रहा है वैसे से हमारे सो चल रहे हैं, है ना। ये फूल जनगण मन अधिनायक जय, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबके दिमाग में धुन इसकी बैठी रहती है, है ना। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल टोन है तो बीच में कहीं नहीं मिलेगा इसका। भारत भाग्य
जैसे जैसे गाने के स्वर चल रहे हैं आपको टटोलना है, ढूंढना है कि कहां पर कौन सा शब्द मिलेगा, ठीक है ना। एक और गाना देख लीजिए, जैसे वो था दिल की नजर से, दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे, दिल की नजर से, हजारों गाने हैं, आप कुछ भी गाना गा सकते हैं, कुछ भी गाना बजा सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको गाने की धुन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी होनी चाहिए, क्योंकि जब धुन बैठी होगी तभी आप पकड़ पाएंगे कि शब्द सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एक और देखिए, जैसे वो जब वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसमें जो एक भजन बड़ा फेमस हुआ था समय, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। अब जैसे ये गाना नॉर्मल टोन का था, इनके हमको बीच में जाना चाहिए, मेरी अब कैसे क्या, कि इस गाने की धुन दिमाग में बैठी हुई है, तो अगर आप कहीं गलत करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा ये धुन यहाँ पे गलत हो रही है। जैसे अगर मान ली यही गाना आप आंख बंद करके बजाएं, तो अगर उंगली आपकी गलत पड़ेगी तो आपको महसूस हो जाएगा, कैसे गलत हो गया, ये ठीक हो गया, देखिए आगे आना जी, गलत हो रहा, दिवाली में वाले गलत हो गया, तो दीप जला के गलत हो गया, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, गलत हो गया, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे। अब क्योंकि आप आंख बंद करके बजा रहे हैं तो आपको खाली स्वर सुनाई दे रहा है और ये सुनाई दे रहा है, जहां पे मैच नहीं होगा वहां पे गलत हो जाएगा, तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे गलत हो गया। तो बस इसी चीज का ध्यान रखें, यही आपको प्रैक्टिस करनी है,
इसके लिए कोई जरूरत नहीं है सरगम रटने की, कोई नोटेशन की जरूरत नहीं है, किसी कॉर्ड की जरूरत नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी जरूरत है कि गाने की धुन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हो, बस एक ही शर्त है इसकी। दिमाग में धुन बैठी होगी, आप बजाएंगे, आप टटोलेंगे, गाना 101% आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बजाने में, बट आप सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिल्कुल भी वो लोग हताश ना हो जिनको लगता है कि हमको वो कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है, हम कैसे बजा सकते हैं, हमको तो सरगम नहीं पता है, हमको नोटेशन नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गाने की धुन दिमाग में रखिए, ये दिमाग में रखिए कि हारमोनियम यहाँ पे मोटी आवाज है या नॉर्मल आवाज या पतली आवाज, और टटोला शुरू करिए। एक दिन, दो दिन, दस दिन, जितने दिन लगे, धीरे धीरे आपको आदत में आ जाएगा, यहाँ पे ही शब्द निकल रहा है। जब एक शब्द पकड़ में आ जाएगा तो उससे आगे आप टटोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जैसे एक गाने बहुत चला था, अब ऐसा कहां पाएगा। अब एक शब्द मिल गया आपको, परदेसी परदेसी जाना मैं, गलत हो रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, गलत हो रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये सही हो गया। देखिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे मुझे छोड़, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे यारा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, थोड़ा 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 रुक, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, जैसे जैसे स्वर चल रहा है वैसे वैसे हमारी उंगली चल रही है। आपको ढूंढना पड़ेगा शब्दों को, बस शर्त सिर्फ एक ही है कि गाने की धुन आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, तभी आप गाना सही ढंग से बजा पाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आज मैंने प्रयास किया कि आपको समझा सकूं कि अनपढ़ लोग हारमोनियम कैसे बजा लेते हैं या गाने की धुन सुन करके आप हारमोनियम कैसे बजा सकते हैं। आशा है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं कोई मन में शंका रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आपने मेरा वीडियो अंत तक बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।